अब इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैक्सवेल ने इस प्रकार समझाया कि जब किसी अपने जो चार समीकरण दिए थे उन चार समीकरणों के माध्यम से उन्होंने यह प्रूव किया कि जब किसी परिपथ में समय परिवर्तनशील धारा उच्च आवृत्ति की धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में, तो उस परिपथ से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में संचरित होने लगती है। और इस संचरित ये जो ऊर्जा है, संचरित ऊर्जा, वह तरंगों के रूप में चलती है। इन्हीं तरंगों को उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ से ऊर्जा सभी दिशाओं में संचरित होने लगती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं एक दूसरे के। E और B परस्पर लंबवत होते हैं और साथ ही ये दोनों ही तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की तरफ संचरित हो रही है और ये आपका वाई अक्ष ले लीजिए और इधर की ओर ये जेड अक्ष ले लीजिए, ये मूल बिंदु हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर ई को वाई अक्ष की ओर लें और वेक्टर बी को जेड अक्ष की ओर लें तो दोनों परस्पर लंबवत होंगे। तो इनको बनाने के लिए हम लोग कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं या यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये बन गया आपका वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र के सदिश बना देंगे इधर की ओर, ये वेक्टर ई हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र के हम लोग वेक्टर बनाएंगे वो इस तरह से बना लेंगे, ये इधर को हम लोग वेक्टर बी दिखा रहे। अब ये जो ई और बी हैं ये यहाँ से स्पष्ट है कि परिवर्ती हैं, जब त्रि रूप में होते हैं। तो अब इधर पहले वाई प्लस वाई अक्ष की तरफ ही था, अब नेगेटिव वाई अक्ष की तरफ हो जाएगा। तो पहले हम लोग वाई अक्ष के लिए ऐसे वेक्टर ई के लिए बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग वक्र बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट, उसमें वेक्टर ई इधर आ जाएगा और फिर नेक्स्ट उसमें टाइम में वेक्टर ई ऊपर चला जाएगा प्लस वाई अक्ष की ओर इस तरह से। और अब ये चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड, तो इसको हम लोग यू बना देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, बस इतना। तो ये आ जाएगा आपका चुंबकी वेक्टर बना देंगे इधर, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा और अगले समांतरा में वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये है इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम ग्राफी चित्रण कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इस तरह का ग्राफ अगर हम समय के साथ वेक्टर ई और वेक्टर बी के लिए ग्राफ बनाएं तो ज्या वक्र बनते हैं, ज्या वक्र ही होगा। तो ये बन जाता है आपका। अब हम लोग इसी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुछ विशेषताएं याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचरित हो सकती हैं, अर्थात इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती संचरित होने के लिए। दूसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दूसरी विशेषता है वो यूँ कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उसे स्मॉल सी से लिखा जाता है। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी माध्यम में से संचरित होती हैं जिनमें वो गुजर सकें तो उसमें
इसी को प्रकाश की चाल भी कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसलिए उसकी चाल को 3 न्यूटन प्रति। अब यही प्रकाश तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी पारदर्शी माध्यम या किसी ऐसे माध्यम में गुजरती है जिसमें संचरित हो सके, तो उसमें उनकी चाल भी बराबर होती है c/n, जहाँ पर n उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इस तरह से कई विशेषताएं होती है विद्युत चुम्बक, और सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो 3 × 10⁻⁸ m/s होती है निर्वात या वायु में, और जब किसी माध्यम में ये तरंगें प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर उनकी चाल भी बराबर c/n होती है, जहाँ n उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये है थोड़ी जानकारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में।